देखो गाइज, अगर आपका ज्यादा हेडशॉट नहीं लगता है तो गाइज आप लोग अनजाने में ही कुछ ऐसी मिस्टेक कर बैठते हो जिसकी वजह से आपका हेडशॉट नहीं लगता है। बट गाइज आप लोगों को टेंशन लेने वाला कोई बात नहीं है, मैं हूं ना गाइज। मैं इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, टोटल मैं आप लोगों को 10 ऐसे मिस्टेक के बारे में बताऊंगा जो आप लोग अनजाने में ही करते हो, इसी वजह से आपका हेडशॉट नहीं लगता है। और गाइज इन मिस्टेक को जानने के बाद सीधी सी बात है, आप लोग ये मिस्टेक दोबारा नहीं करोगे, इसी वजह से आपका जो हेडशॉट है वो बहुत ही ज्यादा इजी लगेगा। वन टाइम हेडशॉट भी बहुत ही ज्यादा लगेगा। और अगर आप लोग हेडशॉट रेट बढ़ाना चाहते हो ना तो गाइस आप लोगों का इजीली हेडशॉट रेट भी बढ़ जाएगा। और हाँ, अगर आप लोग एसएमजी गन से ओनली रेड नंबर्स मारना चाहते हो या फिर M1887 से M1014 से अगर आप लोग वन टैप हेडशॉट मारना चाहते हो ना तो भी गाइस आपका बहुत इजीली लग जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। सो गाइस देखो, मैं आप लोगों को तो 10 मिस्टेक्स के बारे में बता ही रहा हूं, लास्ट में गाइस आप लोगों के लिए एक बोनस ट्रिक भी दूंगा। सो गाइस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और गाइस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो गाइस 5K लाइक्स का एम रखते हैं इस वीडियो में, प्लीज गाइस 5K लाइक्स करा देना। और गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और गाइस पास में जो घंटा है नोटिफिकेशन बेल है उसे जरूर से ऑन कर देना ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। और गाइस प्लीज इस वीडियो को अपने हर एक दोस्त के साथ प्लीज शेयर कर देना। सो गाइस चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस देखो, जो फर्स्ट नंबर मिस्टेक है, और गाइस ये प्रॉब्लम लिटरली सब बंदे के साथ होता है कि रिकॉइल प्रॉब्लम हो जाता है। देखो गाइस, अगर आपका फर्स्ट 2-3 गोली अगर आपका हेडशॉट नहीं लगता है ना तो गाइस गोली इतना ज्यादा रिकॉइल कर जाता है कि गाइस मतलब पूरा बॉडी मतलब गोली चला जाता है, पूरा एनिमी के बॉडी पे लगता है या फिर बॉडी के बाहर चला जाता है गोली। तो गाइस उसको कैसे आपको सॉल्व करना है गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूं। गाइस दो कैरेक्टर है जो हमारे गेम में अवेलेबल है, पहला है गाइस डीबी कैरेक्टर, और गाइस दूसरा है गाइस दशा कैरेक्टर। ये दोनों कैरेक्टर जब भी आप लोगे ना तो गाइस आपका एक्यूरेसी जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा और आप लोगों का रिकॉइल भी कम हो जाएगा। और गाइस और एक ट्रिक मैं आप लोगों को बता देता हूं, आपको कंटीन्यूअस फायर नहीं करते रहना। देखो अगर आप लोग एसएमजी गन चला रहे हो जैसे कि यूएमपी MP40 तो गाइस आप लोगों को 5-6 गोली मारने के बाद आप लोगों को एक बार रिलोड कर देना है। इससे क्या होगा, आपका एक्यूरेसी थोड़ा जो है वो बढ़ जाएगा। और अगर आप लोग डेजर्ट ईगल चला रहे हो तो गाइस आप लोगों को एक गोली मारने के बाद डेजर्ट ईगल से आप लोगों को एक बार रिलोड कर देना है, तो इससे आपका एक्यूरेसी जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। और एक चीज भी आप लोग कर सकते हो, आप लोग फायर करने से पहले एक बार सेटअप कर लेना है। जब भी आप लोग सेटअप करोगे तो आपका एक्यूरेसी और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब आपका मतलब रिकॉइल 0% होगा। तो गाइस आप लोग ये तीनों ट्रिक जरूर से ट्राई करना, पहला है कि आपको कैरेक्टर लेना है, फिर गाइस आप लोगों को रिलोड करना है, फिर गाइस थर्ड ट्रिक है कि आप लोगों को एक बार सेटअप कर लेना है। ये आप लोग ऑलवेज ध्यान रखना, आपका मतलब रिकॉइल बहुत ही ज्यादा कम होगा। इसके बाद गाइस जो सेकंड नंबर मिस्टेक है, ये गाइस आप में से बहुत सारे बंदे करते हो कि गाइस देखो अगर आपका थोड़ा मोड़ा हेडशॉट लग जाता है तो गाइस आप लोग उसमें ही सेटिस्फाई हो जाते हो। मतलब आप लोग को ऐसा नहीं, आपका ऐसा मेंटेलिटी नहीं है कि मैं गाइस मेरे पास 5 गोली है तो 5 में से 5 ही मैं वन टैप मारूंगा, या फिर अगर आपका अच्छा खासा फोन है तब भी गाइस आप लोग ये एक चीज नहीं करते हो ना, इसी वजह से आपका सब गोली हेड पे नहीं जाता है। और वो चीज है कि गाइस आप लोग फिंगर स्लिप या फिर पाउडर का यूज नहीं करते हो। अब गाइस देखो, पाउडर तो आपको अपने घर में ही मिल जाएगा, और गाइस फिंगर स्लिप आप लोग लो बजट में खरीद सकते हो। तो गाइस ऑलवेज गेम खेलने से पहले ना ये आप लोग मतलब कर लेना यार, पाउडर थोड़ा सा मतलब थंब पे लगा देना, या फिर अगर आपको पाउडर नहीं लगाना है तो गाइस आप लोग एक फिंगर स्लिप खरीद लो और फिंगर स्लिप पहन के ही खेलो, देखना यार उससे मतलब हेडशॉट जो है वो और भी ज्यादा इजी लगेगा। इसके बाद गाइस जो थर्ड नंबर मिस्टेक है वो है, देखो गाइस आपको ना कम से कम स्कोप का यूज करना है। देखो गाइस आप लोग जितना ज्यादा स्कोप का यूज करोगे ना तो गाइस आप लोग का हेडशॉट मारने उतना ही ज्यादा टफ होगा। देखो गाइस अगर आप लोग स्कोप का यूज करते हो तो गाइस आप लोग देखना ज्यादा आपका बॉडी शॉट का किल आता है, मतलब इन स्कोप ड्रैग करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो गाइस आप लोग जितना हो सके स्कोप को अवॉइड करना, नॉर्मल थोड़ा सा रेंज में आके ड्रैग करना, इससे गाइस आपका हेडशॉट इजी लगेगा। गाइस जो फोर्थ नंबर ट्रिक है वो है गाइस ड्रैग टेक्निक। अब गाइस जो अगर कोई बंदा आपके एकदम शॉर्ट रेंज में है ना तो गाइस सीधी सी बात है आपको ऑलवेज माइंड में ये घुसा देना है, अगर कोई बंदा आपके एकदम शॉर्ट रेंज में है ना तो गाइस आपको जितना ज्यादा हो सके उतना ड्रैग करना है, एकदम शॉर्ट रेंज में भाई जितना ज्यादा हो सके फुल ड्रैग कर दो। और गाइस अगर कोई बंदा आपके लॉन्ग रेंज में है ना मतलब तब आप लोग हल्का सा भी ड्रैग करोगे तो गाइस इजीली हेडशॉट लग जाएगा। बट गाइस अगर आप लोग मतलब कोई बंदा अगर एक लॉन्ग रेंज में और आप लोग फुल ड्रैग करते हो मतलब एकदम बहुत ज्यादा ही ड्रैग करते हो ना, तब गाइस देखना उतना ज्यादा हेड नहीं लगेगा। तो गाइस आपको ऑलवेज ये माइंड में घुसा लेना है, शॉर्ट रेंज में अगर कोई बंदा है तो एकदम जितना हो सके उतना ड्रैग कर दो, और अगर कोई बंदा लॉन्ग रेंज में तो गाइस हल्का सा ड्रैग करो इजीली हेडशॉट लग जाएगा। गाइस देखो जो फिफ्थ नंबर मिस्टेक है वो गाइस आप में से बहुत सारे बंदे करते हो कि गाइस आप लोग लेफ्ट पिक से फायर करते हो। अब गाइस कभी भी आप लोग को लेफ्ट पिक से फायर नहीं करना है, आपको गाइस ऑलवेज राइट पिक से फायर करना है, इससे आपका हेडशॉट स्मूथली लगेगा। अब गाइस बहुत जन ये सोच रहे हो कि गाइस राइट पिक क्या होता है, देखो गाइस मैं आप लोग को एक पिक दिखा दे रहा हूँ। देखो ये जो पिक देख रहे हो ग्लू वॉल के मैं साइड पे खड़ा हूँ, तो गाइस देखो यही मेरा राइट पिक है। मान लो कि आप लोग एक ग्लू वॉल के पीछे हो और आपका जो राइट पोर्शन है ना वही गाइस आपका राइट पिक है, और गाइस अगर आप लोग लेफ्ट में
खड़े हो तो गाइस लेफ्ट में से आप लोग कभी फायर मत करो, क्योंकि यार लेफ्ट में से फायर करोगे तो गाइस हेडशॉट इजीली नहीं लगेगा। तो गाइस आपको ऑलवेज राइट पिक से फायर करना है। इसके बाद गाइस जो 6 नंबर मिस्टेक है वो है गाइस, देखो आप में से बहुत सारे जन ज्यादा मूवमेंट करके वन टैप हेडशॉट मारने का ट्राई करते हो। आपको गाइस ज्यादा मूवमेंट नहीं करना, जब भी गाइस आप लोग हेडशॉट मारने के लिए रेडी हो मतलब एकदम फायर करोगे उस टाइम में गाइस आप लोगों को एकदम सीधा खड़ा रहना है, मतलब एकदम सीधा खड़ा रहकर आप लोगों को ड्रैग करना है। इससे गाइस देखना आपका हेडशॉट जो है इजी लगेगा, अगर आप लोग कूद कूद के जंप करके फायर कर रहे हो तो गाइस आपका हेडशॉट कभी नहीं लगेगा यार, मतलब 100 गोली मारोगे उसमें से एक हेड लगेगा, ऐसा सिस्टम है। बट गाइस आप लोग सीधा खड़ा हो गए अगर ड्रैग करोगे ना एकदम ग्राउंड पे खड़े रहेंगे तो गाइस आपका ज्यादातर गोली हेड पे लगेगा। तो गाइस आप लोग ऑलवेज ज्यादा कूद कूद के फायर मत करो, सीधा खड़ा होकर फायर करो। गाइस देखो जो 7 नंबर मिस्टेक है वो है गाइस रॉन्ग फायर बटन साइज एंड पोजीशन। अब गाइस आपका फायर बटन का साइज भी बहुत ज्यादा ही मैटर करता है आपका हेडशॉट लगने में। मैं गाइस आप लोग एक परफेक्ट फायर बटन का साइज बता देता हूँ, देखो गाइस आप लोग 52 कर लो यार, 52 मतलब थोड़ा सा छोटा ही है, बट गाइस देखो छोटा फायर बटन का साइज अगर आप लोग रखोगे ना तो गाइस आपका हेडशॉट इजी लगेगा। तो गाइस आप लोग 52 रख लो फायर बटन का साइज, और फायर बटन को थोड़ा नीचे की साइड कर लो, क्योंकि गाइस जब भी आप लोग ड्रैग करोगे ना तो अगर नीचे की साइड आपका फायर बटन होगा तो गाइस आपको ड्रैग का स्पेस ज्यादा मिलेगा, इससे गाइस आपका हेडशॉट भी इजी लगेगा। गाइस देखो जो 8 नंबर मिस्टेक है वो है गाइस एम स्टक को लेके। आप गाइस क्या होता है ना, बहुत टाइम आपका जो एम है वो गाइस आपके बॉडी पे स्टक हो जाता है, मतलब आप लोग जितना भी ज्यादा ड्रैग करते हो हेड पे एम जाता ही नहीं है, आपके बॉडी पे ही अटक जाता है। तो गाइस आप लोग एक काम कर सकते हो, जब भी आप लोग मतलब ये अगर प्रॉब्लम आपके साथ होता है ना तो गाइस आप लोग ऑलवेज अपना एम पहले से ही ऊपर रख के खेलो, मतलब हेड के ऊपर रख के खेलो। इससे क्या होगा, जब भी आप लोग ड्रैग करोगे तो गाइस आपका एम स्टक नहीं होगा पहले से, अगर आप लोग अपना एम जो है वो अगर मतलब एनिमी के हेड के ऊपर रख के अगर खेलते हो। तो जब भी आप लोग ड्रैग करोगे सिर्फ हेड ही पड़ेगा, बॉडी नहीं आएगा, तो आप लोग ये टेक्निक जरूर से यूज कर सकते हो। गाइस जो 9 नंबर मिस्टेक है वो है गाइस आप में से बहुत सारे बंदे क्या है डीपीआई को बहुत ज्यादा ही बढ़ा देते हो। देखो गाइस अगर आप लोग डीपीआई को बहुत ज्यादा ही बढ़ा देते हो ना तो गाइस आपका मूवमेंट तो फास्ट हो जाएगा, बट गाइस आपका जो मतलब ड्रैग जब भी आप लोग करोगे ना तो गाइस आपका एम जो है वो हवे पे चले जाएगा। तो गाइस आप लोग ज्यादा डीपीआई मत बढ़ाओ, देखो गाइस मैं बोलता हूं देखो डिफॉल्ट डीपीआई तो 360 आता है, तो गाइस आप लोग मतलब 20-30 बढ़ा सकते हो, उससे ज्यादा मत बढ़ाना, क्योंकि उससे ज्यादा बढ़ाओगे तो गाइस मतलब जो गोली है वो मतलब हेड के ऊपर से चला जाएगा। तो गाइस उससे ज्यादा मतलब आप लोग डीपीआई मत बढ़ाना, उससे ही खेलना। और बाकी अपना जो गेम सेंसिटिविटी है जनरल सेंसिटिविटी रेट डॉट उसको गाइस आप लोग ऑलवेज 100 रखना। गाइस देखो आज का जो लास्ट मिस्टेक है वो गाइस आप में से बहुत सारे जन मतलब बार बार कस्टम एचयूडी अपना चेंज करते हो। देखो गाइस आप लोगों को कभी भी अपना कस्टम एचयूडी बार बार चेंज नहीं करना है, जो भी कस्टम एचयूडी में आपका हाथ सेट है उसमें ही आपको रखना है। आप लोग एक काम कर सकते हो, अगर आप लोग 2 फिंगर में से 3 फिंगर शिफ्ट होना चाहते हो तो गाइस आप लोग वो कर सकते हो। बट गाइस अगर आप लोग पहले से 3 फिंगर में खेलते थे और आप सोचे कि मैं चलो एक दूसरा कस्टम एचयूडी ट्राई करता हूँ, ये आप लोग कभी भी मत करना, जो कस्टम एचयूडी में आप लोग खेलते थे उसमें ही आप लोग ऑलवेज खेलना। और बाकी गाइस आप लोग 2 फिंगर प्लेयर हो या फिर 3 फिंगर प्लेयर हो या फिर 4 फिंगर प्लेयर हो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। गाइस देखो आज का जो बोनस ट्रिक है वो है गाइस प्रैक्टिस। अब गाइस देखो ये वही सीन है कि आप लोग को स्विमिंग नहीं आता और आप लोग मतलब पानी पे कूद गए वैसा ही सीन है, मतलब आपको जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करना है, बिना प्रैक्टिस का गाइस कुछ नहीं होगा। जो जो मैंने मिस्टेक बोला वो गाइस आप लोग दोबारा मत करना, देखना आपका मतलब गेम प्ले में बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट आया है। और बाय द वे ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो गाइस प्लीज वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर से ऑन कर देना। और गाइस प्लीज इस वीडियो को अपने हर एक दोस्त के साथ प्लीज जरूर से शेयर कर देना। और गाइस अगर आप लोग को 4v4 लिमिटेड कस्टम टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए ना तो गाइस आप लोग जरूर से राइट वाली वीडियो देखो, राइट वाली वीडियो जरूर से मिस मत करना।